आप अपने दरवाजे खोलेंगे और ये मुखबिर अंदर भेज देंगे और सब जगह फैल जाएंगे। और वाकई यही हुआ, और इस कम्युनिटी में पूरे शहर में दो कम्युनिटी है जहां पर सबसे बदतरीन इसका असर हुआ, एक मिडवुड है और एक बेरेज है। 2011 में जब NYPD के डॉक्यूमेंट्स, हमें ये सब पता था, कौरी साहब ग्राम के लोग, हमें ये सब कुछ पता था, हमारे बहुत सारे मेम्बरान हैं, इश्तियाक साहब ने एक रात काटी है, हमारी एक मेंबर है उनका बेटा 30 साल की सजा काट रहा है, एक खुद साख्ता केस जो पुलिस ने खुद ही बनाया हुआ है, और वो फैमिली इस्माइली कम्युनिटी से है। जो आप में से पाकिस्तानी है, आप मुझे बताएं कि इस्माइलियों का और दहशत गर्दी का क्या ताल्लुक है, कहां से? और उस बच्चे की IQ 79 है, और जो मुखबिर था उसको $1.5 लाख दिए गए 1.5 साल के काम के लिए। अब आप मुझे $1.5 लाख दे दें और एक 79 IQ वाले बच्चे दे दें, मैं उससे कुछ भी करा सकता हूँ। लेकिन यही नजरिया होता है कि आप आम आवाम के नजरिए से देखेंगे या आप ये अशरफिया लीडर की तरफ से देखेंगे। आम लोगों की नजरिए से साफ था कि पुलिस को अंदर आएंगे तो भाई कपाएगी, और हमने कितने सारे लोगों को देखा है, इसराज मतीन सराज 30 साल काट रहे, इस किस्म की और बहुत सारी फैमिलियां हैं जो ड्रम के अंदर भी हैं, और जिसका इश्तियाक साहब के साथ हुआ। लेकिन ये हमें देखना होगा कि कौन मीठी मीठी बातें बोल रहा है लेकिन समझ बात सही नहीं लगती। हमें चीजों को लोगों ने आजमाया हुआ है, उनसे देख के सीखना है। हमारे साथ जब हम लोग बोले, कौरी साहब ग्राम के लोग, हमारे साथ सिर्फ ब्लैक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग खड़े थे, लेकिन बाकी जितने भी अरब और देसी मुसलमान थे उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर हम इनको अंदर आने देंगे तो हमारी हिफाजत होगी। लेकिन ब्लैक मुस्लिम कम्युनिटी को पहले से पता है, उनके पास 100 साल का एक्सपीरियंस है, 200 साल का एक्सपीरियंस, मुझे पता है आप पुलिस को अंदर ले आएंगे उन्होंने क्या बेड़ा गर्क करना है। तो हमें लोगों से, बाकी मुहिम से, बाकी कम्युनिटी से सीखने की जरूरत है, बाकी जो तुझे से सीखने की जरूरत है। मैं निसार भाई यहाँ बताया कि मैं कर लिया आप लोगों का आवाज़ आ रही है? आवाज़ थोड़ा। मैं इस प्रोग्राम के हवाले से दो तीन बातें करूँगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, और मैं अपने दिनों और भाई को एक मशवरा दूंगा। 1947 से हमें NWO भी कहते थे और आज भी हमें थे भी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि वो That's important. चूंकि हमारे बड़े कहते थे कि अगर हमारा बड़ा भाई पंजाब उड़ेगा तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों पंजाब से है, तुम्हें बहुत खुश होती हमारी आवाज़ तो 47 से आ रही थी, आप लोगों ने आवाज़ आज उठाया है तो मैं बहुत खुश हूँ, हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। बाकी इधर के हमारे भाई ने बात की है, हम कोई मसला है हमारे मुल्क में लेकिन किधर है सबको मालूम है लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, और जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे हमारी मसाइल हमारे रिसोर्सेस पे जो लोग भी काबिज है वो किसी भी हालत में उसको हमारी तरफ नहीं आने देंगे। अगर आप देखें तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा पूरे पाकिस्तान की जितनी भी बड़े बड़े या छोटे मुखबरे हैं उसमें बहुत ज्यादा शहीद है, तो पाकिस्तान आर्मी में रहे हैं, पाकिस्तान पुलिस में रहे हैं, हमारे हर मुखबरे में पाकिस्तान के झंडे लगे हैं, क्यों? वो शहीद हुए इस मुल्क के लिए, लेकिन हमें अब भी वो नहीं मान रहे हैं कि भाई किधर पे कमी है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की मजबूती, पाकिस्तान की मजबूत इस्तेकाम, उसकी जो बुनियादी तरक्की है, आप हमें उधर हर जगह पाएंगे, और हम पाकिस्तानी है लेकिन हमें कोई पाकिस्तानी मान नहीं रहे, तो इसकी हम आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। और बातें तो बहुत है लेकिन बस आप लोगों के लिए इतना, और इंशाल्लाह किसी भी मौका पर हम, लेकिन इधर की हवाले से